वेलकम बैक गाइस। तो हम जा रहे हैं त्रिवेणी स्नो लाइन जो कि है धर्मशाला मैक्लोडगंज में, उसके बाद हम जाएंगे बेर। ये मेट्रो हमारी आ चुकी है और इसमें हम चढ़ेंगे दो नमूने के साथ जो कि दांत फाड़ के हंस रहे हैं ही। उसके बाद हम मिले अपनी तीसरी नमूने से कश्मीर गेट में, क्योंकि कश्मीर गेट में हमें मिलनी थी रामदलाल जी की बस। रामदलाल जी की बस आते ही हम उसमें चढ़ गए जो कि बहुत कंफर्टेबल थी, और हमने ट्रिप की शुरुआत की जहरीली पप्पी के साथ। दो चार पोज मारने के बाद और दोस्ताना निभाने के बाद हम करने लग गए बस में मस्ती, और मस्ती करते करते ये लड़की बावली हो गई और पीछे वाले लड़के के बाल नोचने लग गई, और पीछे वाला लड़का मौज ले रहा है बाल खिंचवाने के बाद भी, और उसके बाद ये लड़की बावली होकर मेरे बाल खींचने लग गई। रामदलाल जी के ड्राइवर ने बस रोकी 70 माइल स्टोन पर खाना खाने के लिए। 70 माइल स्टोन का जो एम्बियंस था काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर झूले जिराफ सब कुछ था। तो चाय की चुस्कियाँ मारने के बाद हम झूला झूलने लग गए, और झूला झूलते झूलते इस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश करी, और आप 50 रुपये काट सकते हो मेरी ओवर एक्टिंग के। और देखते ही देखते मेरे दोस्त पे भूत का साया चढ़ गया। रात में 9 बजे चलने के बाद हम सुबह करीब 7 बजे पहुंच गए। तो टोटल 10 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद हम पहुंच गए धर्मशाला। धर्मशाला में बस रुकी टैक्सी स्टैंड पे, और वहाँ हमने टैक्सी से बात करके 2500 में हमने साइट सीइंग बुक कर ली। साइट सीइंग की 12 जगह में से ये पहली जगह है जिसका नाम है अगंजर महादेव मंदिर। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। ये मंदिर बहुत प्यारा था, और उस मंदिर के नीचे जो पुल जा रहा है उसके नीचे एक छोटा सा वाटरफॉल है जो कि और भी प्यारा है। इतना प्यारा मौसम देख के और इतना साफ पानी देख के हमारा मन डोल गया, और हमने अपना ब्रश निकाल के यहाँ पे अपने दांत घिसना शुरू कर दिया। ये वीलॉग का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमारी एक दोस्त ने ये शूटिंग शुरू कर दी और हमारा पोपट हो गया। और देखते ही देखते हमारे घनिष्ठ मित्र को याद आया कि वो अपना सुबह का सबसे ज़रूरी काम तो भूल ही गया। पानी में मस्ती करके और अपने पाप धोने के बाद हम मंदिर आ गए, और मंदिर कितना प्यारा है आप खुद देख लीजिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए नॉर्बोलिंग का इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट बहुत ही सुंदर था, और इस इंस्टीट्यूट में लोग अलग अलग तरीके चीज़ें सीखते हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन का पास लेने के बाद हम इंस्टीट्यूट में अंदर चले गए। ये जो सामने आप बोर्ड दिख रहे हो इस पर वो सारी प्लेसेस लिखी हुई हैं जो आप इस इंस्टीट्यूट में घूम सकते हो। और ये रंग बिरंगे पत्थरों पे जो लिखा हुआ है वो मुझे पढ़ना नहीं आता, वरना मैं आपको ट्रांसलेट करके ज़रूर बताता। ये इंस्टीट्यूट के अंदर ही एक छोटा सा तालाब था जिसमें मेरे दोस्त ने डूब के मरने की कोशिश करी। ये जो आप बीच में घूमता हुआ देख रहे हो ये किसी ने घुमाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली घूम रहा है वाटर फ्लो की वजह से जो कि ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। इंस्टीट्यूट के अंदर ही लॉर्ड बुद्धा का टेम्पल है जो कि बहुत ही आलिशान और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, और यहाँ तक कि आप अपनी हार्ट बीट भी सुन सकते हो। उसके बाद हम आसपास के म्यूज़ियम घूमने लग गए जहाँ पे कि ये कुछ डॉल्स ही रखी हुई थी, लेकिन ये सिर्फ डॉल्स नहीं है, ये हिस्टोरिकल रिलीवेंस रखती हैं। हर डिस्प्ले के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि बताता है कि कहाँ का क्या ट्रेडिशन और कल्चर रहा है। आप इनके कपड़े ध्यान से देख सकते हैं, हर जगह के कपड़े अलग अलग तरीके के थे जैसा कि आजकल होते हैं। मुझे हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैंने बस ऊपर ऊपर से देख के इंजॉय किया। उसके बाद हमने ये देखा मैप जो कि हमें घंटा समझ नहीं आया। फिर हम चले गए पेंटिंग देखने। यहाँ पेंटिंग में एक से बड़े एक कलाकार बैठे हुए थे जो कि एक से एक बढ़िया सुंदर ड्राइंग बना रहे थे, सॉरी पेंटिंग बना रहे थे। उसके बाद हमने देखा कारपेंट्री का कमाल। उसके बाद हमारे छोटू को जितनी इंग्लिश आती थी वो उसने यहाँ पे सारी रिव्यू में पेल डाली। साइट सीइंग में नंबर 3 था ये क्रिकेट स्टेडियम। ये क्रिकेट स्टेडियम काफ़ी अच्छा था, और ये काफ़ी अच्छी जगह बना हुआ है, और ये वेस्ट एंड 3 ही विजिटर्स के लिए खुला हुआ था। और मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे जो क्रिकेटर्स आते होंगे उन्हें कितना मज़ा आता होगा, सामने वादियाँ और बीच में क्रिकेट, ओहो हो नाइस व्यू। ये क्रिकेट स्टेडियम में कुछ खेलने वेलने का जुगाड़ तो था नहीं, ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ पोज मारे। पोज मारने के बाद हमने थोड़ी वीडियोग्राफी करी, और वीडियोग्राफी करने के बाद हम यहाँ से चल दिए, और चलते चलते हम पहुँच गए इस टैंक के पास।
ये टैंक बहुत ही खतरनाक है और इससे हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। इस जगह का नाम है वार मेमोरियल। ये स्टेट वार मेमोरियल बनाया गया उन शहीदों के लिए जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। और ये जो फाइटर आप सामने देख रहे हो उसका पायलट मैं हूँ और इसे ले जाके मैं पाकिस्तान में बम फोड़ के आऊँगा। ये पार्क बहुत ही सुंदर है और यहाँ की एंट्री फीस ओनली 20 रुपीज़ है। पार्क के सेंटर में ये जो मार्बल है यहाँ पे शहीदों के नाम लिखे हैं। पार्क में हम मिले अंकल जी से और अंकल ने जब अपनी मूंछों पे ताव दिया तो मज़ा ही आ गया। अंकल बता रहे थे कि मास्क की वजह से आजकल मूंछों पे ताव नहीं दे पाते हैं। हम ये तोप और टैंक देखे कंफ्यूज थे कि तोप कौन चलाएगा और टैंक कौन चलाएगा। लिस्ट में 4th नंबर पे था ये टी गार्डन और टी गार्डन पहुंचते ही लड़की यहाँ पे फैल गई। ये चाय लवर लड़की कहती मैं तो यहीं सो जाऊंगी, अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। चाय के बगान के बाद हम पहुंच गए श्री दुर्गा माता कुणाल पथरी मंदिर। ये मंदिर काफ़ी सुंदर है और यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी प्यारा है। आप आसपास देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर पेड़ दिखेंगे और वादियाँ ही वादियाँ दिखेंगी। और मंदिर का जो फ्रंट है वो तो काफ़ी सुंदर है। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहाँ पे कथा चल रही थी। कथा सुनने के लिए हम वहाँ पे 15-20 मिनट के लिए बैठ गए और उतना ज्ञान हमारे उस दिन के लिए काफ़ी था। उसके बाद हम पहुँच गए ये दूसरे म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम स्पेशली कांगड़ा आर्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ की एंट्री फीस है 50 रुपीज़। ये म्यूज़ियम अंदर से काफ़ी सुंदर था और ऊपर वाले फ्लोर पे तो मज़ा ही आ गया था। तो अगले 2 मिनट में आपको और म्यूज़ियम को अकेला छोड़ता हूँ। ये टोटल 6 प्लेसेस हो गई जो कि हमने धर्मशाला में देख ली हैं। आउट ऑफ 12 6 प्लेसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट 6 प्लेसेस के लिए आप धर्मशाला पार्ट 2 वीलॉग देख सकते हैं। तो टोटल 12 प्लेसेस हमने धर्मशाला, मैक्लोडगंज, बागशो में घूमी है। तो वो सारी प्लेसेस आपको इन 2 वीलॉग्स में दिख जाएगी। त्रिउन ट्रैक स्नो लाइन का वीलॉग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मैं चलता हूँ अगले वीलॉग की तैयारी में और आप लगे रहिए म्यूज़ियम देखने में। हास्ता ला विस्ता।